ना बड़े बड़े स्टार्स की तरह करता है दिखावा, ना बनता है मॉडल, ना ही गाड़ियों का शौक और ना ही शो ऑफ। हर महीने कमाता है करोड़ रुपए, फिर भी जीता है सिंपल लाइफ। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स से ज्यादा करता है कमाई, फिर भी नहीं है गुमान और अभिमान। जिससे पंगा लेते हैं सलमान खान और फिर बॉलीवुड नहीं देता काम, ऐसा धमकाया जाता है लेकिन फिर भी उसके हौसले को कोई तोड़ नहीं पाता। देश विदेश से आते हैं लोग उसके घर का दीदार करने, घर देखते ही जोड़ लेते हैं हाथ। वो है सिंपल और सीधा, लेकिन पुष्पा नाम सुनकर उसे फ्लावर समझने की गलती मत करना, वो फायर है फायर। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम आप सब लोग जानते हैं और देश के करीब ज्यादातर घरों में कभी न कभी उनके गाने जरूर बजे होंगे। आपने अपनी जवानी में भी उनके गाने जरूर सुने होंगे। कमाई तो करोड़ों में है लेकिन चलते स्कूटर से है, ना फरारी, ना BMW, ना ऑडी। घर में बस एक सिंपल मारुति अर्टिगा कार है। हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं उन्हें बॉलीवुड का सिंह कहा जाता है। उनका नाम है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट सिंगर्स में गिने जाते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज का जादू आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चलता है। सफलता के खास शिखर पर पहुंचने के बाद भी अरिजीत सिंह एक सिंपल लाइफ जीते हैं। अरिजीत सिंह भले ही मुंबई में रहते हैं लेकिन अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद में एक साधारण घर बनवाया है। इस घर को देखने लोग अक्सर आते रहते हैं। आप जब इस घर को बाहर या अंदर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस घर में प्योर एक सिंपल फैमिली वाली आपको फील आएगी। इस घर को देखकर किसी सुपरस्टार जैसा लुक नहीं आता। जैसे भारत में कुछ सिंगर ऐसे भी जिनके एक दो गाने हिट हो जाए तो रातों रात वो महल खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अरिजीत सिंह के साथ ये मामला नहीं है। साधारण सा घर और उसके बाहर छोटी सी गाड़ी देखकर फैंस भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। अरिजीत सिंह के घर को देखने यहां लगातार टूरिस्ट आते रहते हैं। हालांकि मुर्शिदाबाद एक माइनिंग सिटी है, इस माइनिंग सिटी को देखने दुनिया भर से लोग आते ही रहते हैं। जब भी अरिजीत सिंह के घर को देखने जाते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरिजीत सिंह के भारत समेत पूरी दुनिया में फैंस हैं। अगर आप भी फैन हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। आप हमें अरिजीत सिंह के बेस्ट गाने के बारे में भी बताइएगा। तब तक हम आपको उनकी पूरी स्ट्रगल वाली लाइफ के बारे में बताते हैं। शोहरत की बुलंदियों पर बैठे अरिजीत सिंह का सफर कभी भी आसान नहीं था। तरक्की के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। रियलिटी शो में रिजेक्शन से लेकर गाए हुए गानों के डिब्बा बंद होने तक किस्मत ने कई बार अरिजीत सिंह की परीक्षा ली। 25 अप्रैल 1987 को अरिजीत सिंह का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। उनके पिता कक्कड़ सिंह एक सिख थे जबकि माँ अदिति बंगाली थी। बचपन से ही अरिजीत का रुझान संगीत की तरफ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। अरिजीत सिंह सबसे पहले साल 2005 में आए सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में नजर आए थे। हालांकि इस शो में उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा और वो टॉप 5 से बाहर हो गए थे। अरिजीत सिंह भले ही फेम गुरुकुल के विनर नहीं बन पाए लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का ध्यान खींचा। उन्होंने अरिजीत के साथ काम करने का वादा किया। अरिजीत ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया के गाने यू शबनमी को आवाज दी लेकिन उनका वर्जन कभी रिलीज नहीं किया गया। टिप्स के मालिक रमेश तुरानी ने भी अरिजीत को एक एल्बम ऑफर किया जिसे सिंगर ने साइन भी कर लिया था लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हो सका। इस तरह टैलेंट और पैशन होने के बावजूद अरिजीत सिंह को खूब स्ट्रगल करना पड़ा। अरिजीत सिंह ने बतौर सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के साथ किया। उन्होंने फिल्म के गाने फिर मोहब्बत को अपनी आवाज दी। इस गाने में अरिजीत को नोटिस तो किया गया लेकिन रातों रात उन्हें सेंसेशन आशिकी 2 ने बनाया। 2013 में आई आशिकी 2 के गाने मेरी आशिकी तुम ही हो, इसी गीत को अरिजीत ने अपनी आवाज दी जिसने आते ही तहलका मचा दिया। फिल्म से ज्यादा इसके गानों ने सुर्खियां बटोरी, यहां तक कि अरिजीत ने आशिकी 2 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज तक सफलता की कहानी लिखते जा रहे हैं। जब भी अरिजीत सिंह को काम से फुर्सत मिलती है अपने घर मुर्शिदाबाद में लौट आते हैं। अरिजीत यहीं अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। अरिजीत सिंह अपने 12 साल के करियर में 234 से ज्यादा फिल्मों में गाने गा चुके हैं। ऐसी सिंपल और सादगी भरी लाइफ के लिए आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।